हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल के युवा वर्ग में ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, कागज़ और कलम की जगह आज काफ़ी हद तक कंप्यूटर ने ले ली है। लोग लिखने से ज़्यादा टाइप करने लगे हैं। नौकरी पेशी वाले लोग तो 8 से 9 घंटे कीबोर्ड पर उंगलियाँ घिसते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइपिंग की वजह से आपको 3.5 उंगलियों की बीमारी हो सकती है? आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। दोस्तों, बोर्ड पर ज़्यादा समय तक टाइपिंग कुछ समय बाद हानिकारक भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति 5 साल तक रोज़ाना 5 से 6 घंटे टाइपिंग करता है तो उसकी कलाई, अंगूठा, व अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों एवं तीसरी आधी उंगली में दर्द होने लगता है। इसलिए इसे 3.5 उंगलियों की बीमारी कहा जाता है। कलाई में एक मीडियन नर्व होती है जिसके दबने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। साधारण भाषा में तो इसे 3.5 उंगलियों की बीमारी कहा जाता है, लेकिन साइंस की भाषा में इसे कॉर्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। यह बीमारी युवाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वह दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं। सोशल साइट्स का इस्तेमाल आज का युवा वर्ग ज़्यादा करता है। 18 साल से 55 साल के लोगों में यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। न्यूरो की OPD में रोज़ाना 10% केस ऐसे आते हैं जिनके हाथों में दर्द रहता है। उनसे काम के बारे में पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि वह कंप्यूटर पर काम करते हैं। महीने में लगभग 150 से 200 मरीज इसी परेशानी से ग्रस्त हैं। दोस्तों, अब हम आपको 3.5 उंगलियों की बीमारी के विषय में इसके कुछ लक्षण और बचाव के बारे में बताएंगे। इसके मुख्य लक्षणों में आपके हाथ में दर्द रहता है या आपका हाथ कुछ समय बाद सुन्न हो जाता है या हाथ में कमजोरी या पेन या पेंसिल पकड़ने में अगर परेशानी हो रही हो तो आप समझ लें कि आपको भी 3.5 उंगलियों की बीमारी हो गई है। इसके बचाव में 1 घंटा टाइपिंग करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। आप अपने हाथ पर रिस्ट बैंड भी पहन सकते हैं। हाथों को खोलने बंद करने की एक्सरसाइज हर थोड़े समय बाद करें। इसके अलावा एक बार में 5 से 10 मिनट तक एक्सरसाइज करें और इसे दिन में कम से कम 5 बार करें। तो दोस्तों, ये हमने आपको इस बीमारी से कुछ बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें इस बीमारी से के प्रति जागरूक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, हम जल्दी आपको उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।